अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए और माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखने की मुबारकबाद पेश करते हुए, आइए उन चीज़ों की तरफ चला जाए कि जो इंसानों के जहन में या मोमिनीन के जहन में खदशा या शुबहा ईजाद करती हैं और मोमिनीन उन्हें नहीं पता होता कि मसलन क्या करें। मसलन अभी आ रहे हैं जिस मौजू में, आप देखिए ऐसे ही है तकरीबन। मसलन एक वक्त में मोमिनीन फंस जाते हैं कि नमाज का वक्त हो जाता है, मजलिस में बैठे रहते हैं। अब जो बैठे रहते हैं बेचारे, वो पसोपेश पड़े रहते हैं कि यार जो नमाज पढ़ रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन से मौलाई हैं और कौन से इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि मजलिस बैठे हुए हैं। ठीक है, हम तो अल्लाह की इबादत के लिए गए। इसे समझिए, देखिए जिस वक्त मजलिस शुरू हो गई है, मजलिस में हम बैठे हुए हैं, अब अजान हो गई, अजान हो गई, अब नमाज का वक्त जब हो गया तो ये मजलिस छोड़ के उठ जाएं, हम मस्जिद की तरफ चले जाएं, यानी मजमा उठे और चला जाए, या नहीं मजमा बैठा रहे, अजान के वक्त माइक को बंद कर दिया जाए, अजान के एहतराम में लोग बैठे रहें, अजान खत्म हो फिर मजलिस हो। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप जो नमाज के लिए जा रहे हो वो किस लिए जा रहे हो? क्या अभी अगर नहीं पढ़ोगे नमाज तो नमाज कजा हो जाएगी क्या? यानी 12 बजे मजलिस हो रही है, 1 बजे आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज का वक्त नहीं है क्या? है ना, वो वाजिब आपका जा तो नहीं रहा है आपके हाथ से, तो आप क्यों उठ रहे हो? जवाब ये मिलेगा कि मौलाना अव्वल वक्त नमाज पढ़ना मुस्तहब है, अव्वल वक्त पढ़ना मुस्तहब है। तो उनसे एक सवाल ये है कि ठीक है कि अव्वल वक्त के लिए आप उठ रहे हो कि जाके अव्वल वक्त पढ़ना सवाब है, पढ़ लें, ये जो मजलिस बैठे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मजलिस क्या है? ये मजलिस क्या है? ये अगर कोई गुनाह होना है, कोई दुकान पे बैठे हुए गपशप कर रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये वाकई इमाम हुसैन की अजादारी में बैठे हुए हो, जिक्र सैयदुल शुहदा के लिए बैठे हुए हो, तो इसको रवायतों में कैसा कहा गया है? नमाज को कहा गया है अव्वल वक्त, रवायत में आया है कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ना मुस्तहब है, बस। रवायत में है अजादारी के लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजादारी मुस्तहब नहीं, मुस्तहब ताकीदी है, मुस्तहब मुअक्कद है। मुस्तहब मुअक्कद समझते हैं, यानी एक दर्जा कम है वरना वाजिब हो जाती है। अव्वल वक्त को सिर्फ मुस्तहब कहा गया है, अजादारी को मुस्तहब मुअक्कद, यानी उससे बड़ा मुस्तहब यह है। अब आप बताइए, जो नमाज के लिए जा रहे हैं अव्वल वक्त मुस्तहब पढ़ने के लिए, वाजिब तो अभी बाद पढ़ सकते हैं ना, मुस्तहब के लिए तो आप उठ रहे हैं। जिस मुस्तहब के लिए उठ रहे हैं वो सिर्फ मुस्तहब है, जिस मुस्तहब को आप अंजाम दे रहे हैं वो मुस्तहब मुअक्कद है। अब बताइए अक्ल आखिर कहां चली जाती है कि छोटे मुस्तहब की तरफ चला जाए या बड़े मुस्तहब को अंजाम दिया जाए? लिहाजा जरूरी है लोग उस वक्त मजलिस से न उठें, मजलिस को सुन लें, अव्वल वक्त नमाज आज न पढ़ें। बहुत से मौके ऐसे आते हैं आपके सामने या लोगों के सामने, यही लोग जो उठ रहे हैं फर्श अज़ा से, ये तौहीन अज़ा है सैयदुल शुहदा, फर्श अज़ा की तौहीन करते हैं ये लोग। कल इन्हें आखिरत में जवाब देना पड़ेगा, शहजादी के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, परवरदिगार के सामने भी जवाब देना पड़ेगा, इम्मा के सामने जवाब देना पड़ेगा इनको। ये लोग जो जा रहे, बहुत से मौका ऐसा आता, मैं खुद गया बाजार में खरीदने के लिए, कुछ टाइम हो गया, मान लीजिए खरीद में देर हुई, दोपहर हो गई, तो हम जैसे ही वहां अजान का वक्त होता, मान लीजिए 12 बजता है, तो क्या कहते हैं, कैसे भैया ये कपड़ा वपड़ा हटाओ भैया, पैसे से कुछ नहीं, रुको, हम जो क्या कहते पहले मस्जिद ढूंढे पहले नमाज पढ़े, करते हैं क्या? कहा नहीं करते ना, क्यों? इसीलिए ना कि मुस्तहब ही तो है, चलिए घर जाके पढ़ लेंगे। आज क्यों नहीं इस काम को करते हो जब मजलिस में बैठे हो? हम आप बैठे रहो, जाके नमाज आप 5 मिनट बाद पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट बाद पढ़ लीजिएगा, आधा घंटे बाद पढ़ लीजिएगा। लिहाजा जब दो मुस्तहब टकराए तो इंसान को चाहिए कि अहम और मुहिम करे, नापे अक्ल से कौन सा मुस्तहब अहम है, कौन सा मुस्तहब अहम नहीं है। जब नमाज अव्वल वक्त के मुस्तहब को और मजलिस के मुस्तहब को आपस में रखेंगे तो देखेंगे कि मजलिस बहुत बड़ी है, ये मुस्तहब बहुत बड़ा है, ये मुस्तहब बहुत छोटा है।
लिहाजा इस मुस्तहब से उस वक्त उस दिन रोज ऐसा थोड़ी होता है। अरे इस वक्त भाई मजलिस हो रही थी, अजान का वक्त हो गया, क्या रोज साल भर ऐसे ही होता है क्या? लिहाजा उस दिन इमाम हुसैन के एहतराम में, सैयद शोहदा के एहतराम में, आजादारी के एहतराम में, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम में उस दिन बहुत से वाकयात है कि इंशाल्लाह सबकी तौज़ीह नहीं दी जा सकती। इंशाल्लाह बकिया और भी इस हवाले से चीज़ें कही जा सकती हैं, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो उस पर भी रोशनी डाली और तौज़ीह यानी देना मांगता है ये, और तौज़ीह चाहता है ये, और मिसालें चाहता है, और दी जाएंगी इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन।